अस्सलामुअलैकुम, रज़ा क्रिएशन के साथ मैं हूं आपका अपना अली रज़ा। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बाद में लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम आपको लिए चलते हैं कनाडा और भारत के ताल्लुकात की तरफ, जो कि दिन ब दिन बहुत कशीदा हो रहे हैं। एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, यहाँ तक कि कनाडा ने भारतीय सफ़ीर को निकाल दिया और भारत ने कनेडियन सफ़ीर को निकाल दिया। इनकी वजह खालिस्तान तहरीक के बानी हरजीत सिंह नज्जर हैं, जिन्हें भारत के और इनकी एजेंसियों ने जून के महीने में कनाडा में बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। वो एक फंक्शन अटेंड करने के लिए आए हुए थे, जिसके दौरान इन्हें फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जिसमें इंडियन एजेंसी रॉ मुलव्वस थी। खालिस्तान तहरीक कनेडा में बहुत ज़ोरों शोर से जारी है। आपको ये भी बताते चलें कि लास्ट टाइम जब खालिस्तान रेफरेंडम हुआ था तो उसमें 1,10,000 से भी ज़ायद भारतीय सिख जो थे वो इकट्ठे हुए थे कनाडा में, जिन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। तो नाज़रीन, इस सिख रहनुमा के कत्ल होने के बाद जब कनेडियन एजेंसियों ने मालूमात इकट्ठी की तो उसमें बराह रास्त इंडियन एजेंसियों के मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ, जिसके बाद जो कनेडियन वज़ीर आज़म हैं उन्होंने G20 इजलास के दौरान भी नरेंद्र मोदी से इस मामले में बात की, तो जिस पर इतनी को ख़ास तवज्जो नहीं दी गई। इसके बाद इन्होंने अपनी पार्लियामेंट में ये बहस छेड़ी, जिस पर इन्हें काफ़ी जोर दिया गया, इन पर प्रेशर डाला गया कि इंडिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, जिसके दौरान इन जो कनाडा के वज़ीर आज़म हैं इन्होंने ना सिर्फ भारत के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में इनकी दहशतगर्दी को बेनकाब किया, बल्कि भारतीय सफ़ीर को भी अपने मुल्क से निकाल दिया, जिसके जवाब में कनेडियन सफ़ीर जो हैं उन्हें भारत ने अपने मुल्क से निकाल दिया। अब पूरी दुनिया में खालिस्तान तहरीक फिर से ज़ोर पकड़ रही है। जो कनेडियन वज़ीर आज़म हैं उन्होंने जब ये तहकीकात करवाई उसमें ना सिर्फ भारत बल्कि स्विट्ज़रलैंड, न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लोग भी शामिल थे, जहाँ के सफारतकार में भारतीय जो सफारतकार हैं उनके बराह रास्त मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है।